तेरे नादा मैं शुक्र करा, शाना तेरिया येसु, उचिया शाना तेरिया येसु, उचिया शाना तेरिया येसु, उचिया शाना तेरिया येसु, जा तेरा ना जा तेरा ना जा ते तेरे ले गावा यसु महिमा सुनावा यसु अब्द सुनावा यसु, तेरे ले नचा यसु तेरे ले गावा यसु महिमा सुनावा यसु अब्द सुनावा यसु। हाँ बारह साल तो रोग सिन गया वैद की माँ सब कुछ ठगया, सब कुछ ठगिया वैद की माँ, 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 सब कुछ ठगिया। बल्ला चौके पैसे शिमाने, बल्ला चौके पाई शिमाने, बल्ला चौके उचिया शाला तेरिया येसु, ऊचा दे
अन्ना वागू पुतरी दे दे अन्ना वा उजिया शाना तेरिया येसु उजिया शाना तेरिया येसु उजिया शाना तेरिया येसु तेरे ले नचा येसु तेरे ले गावा येसु मेकी सुनावा येसु और तो सुनावा येसु तेरे ले नचा येसु तेरे ले गावा येसु महिमा सुनावा येसु और तो सुनावा येसु तेरे ले नचा येसु तेरे ले गावा येसु महिमा सुनावा येसु और तो सुनावा येसु शिकर कला येसु तेरे नादा मैं शुकर करा येसु तेरे नादा मैं जिक्र करा येसु तेरे नादा मैं शुकर करा 12 साल तो रोग सी लगया वैद की मां सब कुछ ठगया वैद की मां सब कुछ ठगया वैद की मां शुके पाई शिफा दे भला शुके पाई शिफा दे पाया अब दियारा पाया अब दियारा पाया अब दियारा पाया अब दियारा शिफा बाबा दे येसु लंगड़े चला दे येसु मौज से भी खा दे येसु मुर्दे जिला दे येसु शिफा मां बहा दे येसु लंगड़े चला दे येसु मौज से भी खा दे येसु मुर्दे जिला दे येसु येसु तेरे नादा मैं शुक्र करा 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 उचिया तेरिया शाना दे उचिया शाना तेरिया येसु उचिया शाना तेरिया येसु उचिया शाना तेरिया येसु उचिया शाना तेरिया येसु उचा तेरा ना उचा तेरा ना तेरे ले तेरे ले गावा येसु मेकी मां सुनावा येसु अब तो सुनावा येसु तेरे ले नचा येसु तेरे ले गावा येसु मेकी मां सुनावा येसु अब तो सुनावा येसु सुनावा येसु सुनावा येसु
Jesus. Hallelujah. जानाले रसावे भुखे रहने ना देवे तंगिया दे मुसीबतां दे विच कदे भी पैने ना देवे और आहा नूर शनावे नाले चलना आप सिखावे रुशनावे नाले चलना आप सिखावे आ शंके बाप दे वाकर मैनू पालन वाले चंके बाप दे वाकर मैनू पालन अपने हाथों विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हाथों विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया मैनू सदा संभालण वालिया तरफ देखता हूँ मैं तेरी तारीफ है जिस तरफ देखता हूँ मैं तेरी तारीफ है कुर्बान होने जा रहा तारीफ है रूह दा दीवा जिंदगी दे विच पालण वालिया रूह दा दीवा जिंदगी दे विच पालण वालिया अपने हाथों विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हाथों विच तेरे प्यार तो सदके जावा तेनू थां था मैं वडियावा तेरे प्यार तो सदके रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हाथों विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हाथों विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया प्यार तो सदके जावा रख के
विच रख के मैनू सदा संभालने वालिया।
मेरा खुदा मेरे नाल नाल है।
मेरा यीशु ओ मेरी टाइम है सिद्धाया हवा मेरा है रखवाला 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 अपने परा देगा मैनू शिपोदा अपने परा दे गेटा मैनू शिपोदा अपने परा दे गेटा मैनू शिपोदा वसला दिया शावा मेरे सिर ते ले ओदा 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 सोदा ना चौदा सोदा उदायो मैनू बचौदा मेरा खुदा मेरे नाल नाल गए मेरा यीशु हो मेरी नाल गए मेरा खुदा मेरे नाल नाल है मेरा यीशु मेरी ओ चट्टान मेरा अब दी मुकामे
मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा।
हो के
शिफा के लिए
यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बाबा लहू यीशु शिफा के लिए। हाथों से निकला
कर, अज मेरे ते दया कर, ताकि मैं अपनी खुदी का इनकार कर सका और तेरे वचन नू मैं हाँ कह सका। सब जन जिन्हें मैं ऑनलाइन देख रहे सब जन प्रार्थना करो, और परमेश्वर मैं अपनी खुदी मैं अपने आप का इनकार कर सका और मैं तेरे वचन का इकरार कर सका। सब जन जिन्हें ऑनलाइन देख रहे सब जन अपने हाथों उठा के उस जीवित जिंदा यहोवा परमेश्वर की हजूरी चाहे तुम अपने हाथों उठा के अखा बंद करके कहो कहो परमेश्वर अज मेरे ते अनुग्रह कर, मेरे ते दया कर, ताकि मैं अपने आप का इनकार कर सका और तेरे वचन का इकरार कर सका और आखिरी साह तक परमेश्वर मैं तेरे वचन नू अपने जीवन च पहला स्थान दे सका और जिस तरह तेरे वचन च लिखा उस तरह परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी च उन्हें ग्रहण करा और उस उत्ते चल सका। सब जन जिन्हें मैं ऑनलाइन देख रहे सब जन प्रार्थना बार बार करो, बार बार करो, उस ग्रेस नू मंगो, उस अनुग्रह नू मंगो, ताकि पिता मैं तेरे वचन का इकरार कर सका और मैं अपने आप का इनकार कर सका। सब जन मंगो रे बादा लाखो रबाशे केरे बेबे राहु ता लाखा रबाशे केरे बेबे नमा सखा रबो रबा ता लेके रे बिशाखो राथो लाखा रबा बाबा रे बीबी संदा रबाबा। मंगो 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 उस ग्रेस मंगो, कहो पिता परमेश्वर आज मैं तेरी पवित्र हजूरी च हां परमेश्वर, आज मेरे ते अनुग्रह कर ताकि मैं अपनी खुदी का इनकार कर सका और तेरे वचन का इकरार कर सका परमेश्वर, और अपने आखिरी साह तक परमेश्वर तेरे वचन का इकरार करता रहा प्रभु। आज मैं तेरी ग्रेस की लोड़ है, तेरे अनुग्रह की लोड़ है परमेश्वर, मैं तेरी ग्रेस तो बिना, तेरे अनुग्रह तो बिना मैं तेरे वचन से नहीं चल सकता परमेश्वर। आज मेरे ते अनुग्रह कर, मेरे ते दया कर, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन च मल्टीप्लाई होए। सब जन इस प्रार्थना बार बार कहो। यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंगदे सब बोलो आमीन। सुनो बाइबल च लिखिया गिदोन परमेश्वर ने चुनिया और इजराइलियां दे छुटकारे लिए इस्तेमाल किया। गिदोन जद तक अपने जीवन में अपनी खुदी का, अपने विचारां दा, अपने शक दा इनकार नहीं कर सकिया और परमेश्वर दे वचन नूं इकरार नहीं कर सकिया, तद तक वो इस्तेमाल नहीं होया। बाइबल च लिखा जब गिदोन ने अपने अपने आप का इनकार किया और अपने मन में आते विचारों का इनकार किया और परमेश्वर की कही हुई गल ते उन्हें इकरार किया, विश्वास किया, बाइबल च लिखा वह सिर्फ 300 लोगों के नाल लखां लोगों के विरोध में लड़िया और जयवंत होया। अज उही ग्रेस तुहाडे जीवन से आ चुकी आ, तुसीं परमेश अपने विचारां दा और अपना इनकार करोगे और परमेश्वर दे वचन ते इकरार करोगे और मैं कह तुसी अपने जीवन में लड़ोंगे और जयवंत होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। मैं कह जिदा गिदोन जयवंत होया उस तरह तुसी जयवंत होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। मैं कह जयवंत होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। मैं थले कर थोड़ा अपने तन उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन जब मैं सुना और उन्हें अपने कन्ना राही सुना और अपने दिल में परमेश्वर जमा करके उस उत्ते चलन वाला बना, यीशु मसीह के सामर्थी नाच मंगते हैं आमीन। तुसी आज दे वचन नू शेयर कर सकते हैं कि फेसबुक राही, वट्सएप दे राही, जिस भी माध्यम दे नाल तुसी शेयर कर सकते हैं आज दे वचन नू शेयर करो, ताकि आज दा वचन बहुत सारे लखां लोकां तक पहुँचे, ताकि जो मैनू पवित्र आत्मा ने आज दा वचन सिखाउण किया वो बहुत सारे लोग सीखण और जो पवित्र आत्मा की मर्जी उन्हां दे जीवन च वो पूरी हो सके। सब जन शेयर करो। अपनी बाइबल उच्चा ठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ ये लिखिया मैं उदे ते विश्वास करदा, मैं उही बनूंगा जो ये लिखिया।
यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंगदे आमीन। मेना खोलांगे लुका दी इंजील उदी 14:25 मैं ही पढ़ूंगा। और आज दा मेरा टॉपिक हैगा कि जद तक तुसी यीशु मसीह दे वचन नू इकरार नहीं करते तद तक तुसी यीशु मसीह दे पिछे नहीं चल सकते। और जद तक तुसी यीशु मसीह दे वचन दे पिछे नहीं चलते तद तक ताडे जीवन च परमेश्वर की ओ योजना जो परमेश्वर ताडे जीवन च पूरी करना चाहुंदा ओ पूरी नहीं हो सकती। तुहानू हर एक वचन जो परमेश्वर दा चाहे ताडी बुद्धि ना तुहानू समझ आए चाहे ना आए जिस तरह लिखिया उसे तरह मन के उसे तरह पूरा करोंगे ओ वचन ताडी जिंदगी च 100 गुणा फल लैके आएगा। मैं ताडे लई पढ़ांगा लुका ने इंजील और 14:25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी आप प्रिय जाने और जो तो वह मेरा चेला ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज दा वचन मेरी जिंदगी च 100 गुणा फल लेके आए। बाइबल च लिखिया इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वे मेरा चेला नहीं हो सकता। बाइबल च लिखिया तुहानू चेला बन लई यीशु मसीह दा चेला बन लई तुहानू अपना सारा कुछ त्याग करना पऊगा। और जद तक तुसी चेले नहीं बनदे चेले बना नहीं सकदे। जे तुसी चाहुंदे आ कि बहुत सारिया रूहां बचाईयां जाण करोड़ां लोग स्वर्ग विच जाण ते सब तो पहला तुहानू यीशु मसीह दा चेला बनना पड़ और जब तुसी खुद चेला बनोगे फिर चेले बना सकते। बहुत सारे लोग आ जड़े चर्च में आ रहे जिहड़े कल्ले ही चर्च में आ रहे पर उन्हां दी फैमिली नहीं आ। बाइबल च लिखा तू बच और तेरा घरा ना बचाया जाएगा। बाइबल च जो भी गल लिखी है जद तक तुसी पूरी नहीं करते तद तक वो तुहाडी जिंदगी च पूरी नहीं हो सकती। जद तक तुसी नहीं बचते तद तक ताडा कराना नहीं बच सकता जां तुसी दूसरे नूं नहीं बचा सकते। बाइबल च साफ क्लीयर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे तुसी मेरा चेला बनना चाहते तो उहदी एक कंडीशन आ ताडे सारे जिहड़े खून दे रिश्ते आ ताडा माता पिता भैण भरा बच्चे ताडी पत्नी जे कहिंदे जे इहनां तों वध के मैनू प्यार नहीं करदे तो तुसी मेरे चेले नहीं। इंग्लिश दी बाइबल च लिखिआ तुसी उहनां नूं हेट नहीं करदे। मैं ताडे लई पढ़ के दसांगा
बाइबल लिखा डज नॉट हेट दिस ओवन फादर, कहना मतलब तुसी बाइबल लिखा तुसी हेट नहीं करते, तानू हेट करना पेगा अपने इन्ह रिश्तिया नू, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जदों प्रचार कर रहे से इस धरती से जदों प्रचार कर रहे से उन्हां कोल किसी ने आके स्नेहा दिता कि तेरे माँ बाप तेरे भैन भरा तेरे को आए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ किया कौन है मेरा माँ बाप, कौन है मेरा भैन भरा, उही जो मेरे वचना सुनदा और परमेश्वर के वचन से चलता उही मेरे भैन भरा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसी इन्हां रिश्तियां नू हेट नहीं कर, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जद तक तुसी इन्हां रिश्तियां नू आप प्रिय नहीं जानते जानते तद तक तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जद तक तुसी इन्हां रिश्तियां नू हेट नहीं करते और अपने आप का भी इनकार नहीं करते तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल च लिखा तुहानू यीशु मसीह दे चेले होने लई पहला अपने सारे रिश्तियां नू आप प्रिय करना पैंदा, अपने मां नू अपने बाप नू अपने भैन नू अपने भरा नू अपने अपने बच्चियां नू आप प्रिय करना पैंदा और अपने प्राणा का भी इनकार करना पैंदा। जो तुसी ये पहली कंडीशन पूरी करदे आ फिर ही तुसी प्रभु यीशु मसीह दे चेले बन सकते। प्रभु यीशु मसीह ने दो एग्जाम्पल दित्तियां कि जे कोई इंसान जो अपना कोई किला बनाउन लगा जे कोई अपना जे कोई टावर बनाउन लगा कोई बिल्डिंग बनाउन लगा तो जे पहला उहदा हिसाब किताब नहीं लाउंदा कि किन्ना खर्चा आएगा तो जो नींह पाएगा तो जो नींह पालेगा वह अगों पूरा नहीं करेगा तो फिर वह लोगों लई मजाक का कारण बनेगा। दूसरी एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिती कि जे एक राजा जे किसी दूसरे राजे के खिलाफ युद्ध करने जाएगा तो जे जड़ा जिस राजे के खिलाफ वह युद्ध करने जा रहा वो 20,000 फौज आ और उस जड़ा ये राजा वा वो को 10,000 फौज आ तो जे 20,000 फौज के नाल 10,000 का सामना करेगा तो वह की करेगा दुनियादारी के हिसाब न कंप्रोमाइज कर ले और समझौता कर लेगा। मतलब की सी प्रभु यीशु मसीह दे कहन दा, प्रभु यीशु मसीह दे कहन दा मतलब सी कि तुसी दुनियादारी दी सोच दे हिसाब नाल मेरे चेले नहीं बन सकते, तुसी मेरे कम्मां नू नहीं कर सकते, क्योंकि दुनियादारी च की आ हर बंदा जो कोई काम करदा जो काम करदा उहदी कैलकुलेशन लांदा और हर एक राजा जो किसी नाल जंग लड़दा उहदी कैलकुलेशन करदा कि उस राजे को जो 20,000 फौज आ तो मेरे को फौज घट आ तो मैं उहदे नाल कंप्रोमाइज कर लूंगा। पर बाइबल लिखा प्रभु यीशु मसीह कहिंदे जो तुसी जे तुसी मेरे चेले बनदे जे तुसी मेरे चेला बनना चाहुंदे तो इस लाइफ विच कंप्रोमाइज नहीं हैगा, इस लाइफ विच डर नहीं हैगा, क्योंकि जो तुसी मेरे चेले बनदे तुसी एक जंग च आ जांदे तुसी इहो जे एक एक टारगेट च आ जांदे आ कि जिहड़ा तुहानू विश्वास ना पूरा करना पैंदा, क्योंकि मसीह जिंदगी विच विश्वास जिहड़ा मसीह लाइफ मसीह जिंदगी दा धुरा आ इहदे विच तुहानू विश्वास ना चलना पैंदा और बिना डर दे और बिना कंप्रोमाइज दे चलना पैंदा। प्रभु यीशु मसीह ने दुनियादारी की एग्जाम्पल की, दुनियादारी च की आ लोग अपने माँ नू अपने भैन नू अपने भरा नू अपने बच्चियां नू अपने माँ बाप भैन भरावां नू प्यार करदे आ और प्रभु यीशु मसीह कहिंदे जे तुसी दुनियादारी दे हिसाब नाल चल रहे तो तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते, तुहानू दुनियादारी तो उल्ट चलना पएगा, तुसी अपन तुहानू जिहड़ी अपनी लाइफ आ जद मेरा चेला बन गए तो फिर कैलकुलेशन ना नहीं जीनी बल्कि तुहानू फेथ दे अनुसार चल। इसे करके मसीह लोग जिहड़े आ उह चर्च जांदे आ पर यीशु मसीह दे वचन नू जिद्दां उहदे विच लिखिआ उदा ही उहदे ते नहीं उहनू पढ़दे ना उहदे ते चलदे। इसे करके परमेश्वर जो उहनां दी लाइफ च करना चाहुंदा उहनां दी लाइफ विच नहीं कर पाउंदा, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर नू तुहाडी नैचुरल थिंकिंग और नैचुरल लाइफ दे नाल तुहानू इस्तेमाल नहीं कर सकदा। बाइबल च साफ लिखिआ जे तुसी मेरा चेला बनना चाहुंदे सब तो पहला तुहाडे जिहड़े घर दे मैंबर आ उहनां नू आप प्रिय जानना पएगा और क्योंकि तुसी एक जंग च आ गए आ तुसी एक उस टास्क विच तुसी एक उस काम विच आ गए आ जिहड़ा तुहानू फेथ नाल पूरा करना पएगा।
जे तुसी कैलकुलेशन विच अपने अपने माँ बाप नूं भी उन प्यार करोंगे, सारा कुछ उन्हां लई टाइम कढूंगे, तो मेरे चेला भी बनूंगे और नैचुरल लाइफ जीऊंगे, तो तुसी इस लाइफ विच फेल हो जाऊंगे। साफ बाइबल च प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जे तुसी अपने आप का भी इनकार नहीं करते तो तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते। बाइबल च लिखा तुसी तुहानू अपनी क्रूस उठा के मेरे पिछे चलना पेगा। क्रूस का की मतलब? क्रूस का मतलब बोझ, ओ बोझ जिहड़ा ताडा नहीं आ बल्कि दूसरिआं दा। ते जे एक इंसान अपनियां कहानियां च उलझा रहेगा, अपने माँ ते अपने बाप दे अपने भैणां भरावां दे अपने न्याणियां दे, ते ओह प्रभु का कम नहीं कर सकता, वह प्रभु का कम नहीं कर सकता और प्रभु लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता और परमेश्वर दियां रूहां नूं नहीं बचा सकता। इसे करके प्रभु यीशु मसीह ने साफ क्लीयर करता कि तुहानू इमोशनल लाइफ तो उठ के तुहानू स्पिरिचुअल लाइफ में चलना पड़ेगा, फिर तुसी मसीह लाइफ नूं सही तरीके ना जी सकदे और इहदे विच सक्सैस हो सकदे। ते जद तक तुसी नैचुरल लाइफ तो हट के सुपर नैचुरल लाइफ विच नहीं आउंदे, यानी कि इस दुनिया तो उल्ट नहीं चलदे, तुसी मसीह लाइफ विच अगे नहीं वध सकदे। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने नहेमिया नूं इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने नहेमिया ने एक गढ़ बनाना सी, उन्हें शहरपनाह बनानी सी जरूसलम की। जब वो नहेमिया के मन में परमेश्वर ने बोझ पाया तो उन्होंने सारा कुछ अपना त्यागना पाया, चाहे कुछ समय लिए उन्हें अपनी जॉब नूं उस जगह तो छड्डना पिया, अपनी उस पोस्ट नूं छड्डना पिया और उन्हें यरूसलम आना पिया। और जब वो यरूसलम आया तो उन्हें देखा सारी जिहड़ी शहरपनाह सी यरूसलम की वो टट्ठी पई सी और सारा कुछ विगड़िया पिया सी, उहदे लई एक बहुत वड्डा काम सी। और जब बाइबल लिखा जब उन्हें बनाना शुरू किया तो बहुत सारिया दिक्कतों का सामना करना पिया, जे वह मनुखी सोच के नाल चलता तो कभी भी यरूसलम की शहरपनाह बना नहीं सकता। और बाइबल लिखा उन्हें अपने आप का भी इनकार किया, अपनी जी पोस्ट सी उहदा इनकार किया, अपने भैणा भरावां का इनकार किया। तो जो वह अपने भैणा भरावां का इनकार करके अपन सारिया चीज़ा इनकार करके अपने आप का भी इनकार करके जो परमेश्वर के काम नूं करन आया तो फिर उहदी जिंदगी च किसे तरह का डर नहीं सी। और बाइबल लिखा उन्हें दिन रात एक करके परमेश्वर का काम किया और 52 दिनों में 52 डेज में उन्हें यरूसलम की शहरपनाह बनाया। तो जे वह नैचुरल थिंकिंग ना सोचता तो कभी नहीं बना सकता, पर वह नैचुरल तो हट के वह सुपर नैचुरल उन्हें वह विश्वास में आया। और बाइबल लिखा उन्हें बहुत सारिया दिक्कतों का सामना करना पिया, विरोधियों का सामना करना पिया, तो कई तकलीफों का सामना करना पिया, पर वह सारिया चीज़ों का इनकार पहले ही करके आया सी। वो अपने रिलेशनशिप जिहड़े सीगे उन्हां दा इनकार करके आया सी, वो अपनी जिहड़ी जॉब सी उहदा इनकार करके आया सी और अपने प्राणा दा भी इनकार करके आया सी। और जदों उन्हें परमेश्वर दे काम नूं करना शुरू किया तो बाइबल च लिखा उन्हें 52 दिनों च 52 डेज विच यरूसलम की शहरपनाह बनाई। और पवित्र बाइबल च ये सारा कुछ दर्ज आ और परमेश्वर दे कामां लई इस्तेमाल होया। इस तरह बाइबल च लिखा तुसी जे एक इंसान जे एक जे एक जिहड़ा राजा आ वह जे एक नैचुरल थिंग जिहड़ा राजा एक धरती का राजा वह किसी राजे नाल जंग करन जांदा ते जे जिस राजे नाल जंग करन गया जे उहदी फौज जे 20,000 आ तो उहदे कोल 10,000 आ तो कदी भी नहीं लड़ेगा, वह कदी भी नहीं लड़ेगा बल्कि उहदे नाल कंप्रोमाइज कर लेगा डर डर के। और बाइबल च लिखिआ जे तुहाडी लाइफ में कंप्रोमाइज है, जे तुसी अपने अपने हालातों का कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तुसी प्रभु च भी आ गए हैं और कंप्रोमाइज की लाइफ चल रहे हैं, तो तुसी परमेश्वर लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, परमेश्वर तुहानू इस्तेमाल नहीं कर सकता और परमेश्वर तुहाडी जिंदगी जो काम करना चाहता वो कर नहीं सकता। इसे करके बाइबल च लिखा जब परमेश्वर ने गिदौन नूं चुनिया तो गिदौन नूं पहला अपने माँ बाप अपने भैन भरा जिहड़ी उहदे घर वेदी सी उहनां दी विरोधता करनी पई, उहनां नूं अप्रिय जानना पिया, उहनां नूं हेट करनी पई, उहनां दे कम्मां नूं उहनां नफरत करनी पई और उहनूं अपने घर ते घर दी मूर्ति नूं डिस्ट्रॉय करना पिया। परमेश्वर ने पहला कंडीशन ही रखी
कि तेनू अपने माँ बाप के जेडे रीति रिवाज है जेडे माँ बाप दियां जिन्नियां चीज़ां वा उन्होंने हेट करनी पेगी उन्हें नफरत करनी पेगी अप्रिय जानना पेगा और अपने आप का भी इनकार करना पेगा तो फिर मेरी प्रेजेंस तेरे नाल होएगी तो तू फिर मेरे लिए इस्तेमाल हो सकना। और बाइबल लिखा ये सारा कुछ गिदौन ने किया, उन्हें अपने माँ बाप के विरोध चलिया, अपने पिता की जिहड़ी मूर्ति सी उहदे घर विच उहने डिस्ट्रॉय किया और उन्हें अपने अपने विचारां दा भी इनकार किया। बाइबल लिखा उन्हें दो वारी परमेश्वर नूं परखिया अलग अलग तरीके नाल, मैं उस टॉपिक ते नहीं जाऊँगा, बाइबल च वह सारा कुछ लिखा। उन्हें दो वारी परखिया और जब उन्हें परख के उहदे विच उहनूं सबूत मिलिया अपने डर जिहड़ा उहदे अंदर एक डर सीगा उस तो बाहर निकलिया फेथ विच आया। और बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ 300 लोग दिते, 300 लोग दिते कि 300 लोगों के नाल ही तू लखां लोगों नाल लड़ना। और बाइबल च लिखिया जब उहदे जीवन चों डर गया उन्हें अपने अपने घराने का भी इनकार किया और अपने आप का भी इनकार किया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। और बाइबल च लिखिया वह 300 लोगों नू लैके लखां लोगों के विरोध में लड़िया इस्तेमाल होया और जयवंत होया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस करके प्रभु यीशु मसीह हर एक नू अपना चेला बनाना चाहते पर चेला बनने तो पहला कंडीशन तुसी यीशु मसीह दे चेले बनने तो पहला तुहानू अपने माँ बाप भैन भरा अपने अपने जिहड़े बच्चे उन्होंने आप प्रिय जानना पएगा। हुण बहुत सारे लोग आ सोचते हो गए कि बाइबल च लिखा जे तू सेवा करना चाहना तो आप जे तू अपने घर का मैं अपने घर को मैनेज नहीं कर सकता तो तू कलीसिया को मैनेज नहीं कर सकता। तो मैं तुहानू अज दसना चाहना जेड़ा जेड़ा बंदा अपने अपने जेड़े अपने अप अपनी वाइफ नू अपने बच्चों नू जे अपनी वाइफ नू अपने बच्चों नू जे उन्हें कुछ हद तक आप प्रिय नहीं जानेगा तद तक उन्होंने मैनेज नहीं कर सकता। जे तुसी किसी भी चीज़ नू मैनेज करना होएगा तुहानू उहदे नाल लगाओ घट करना पेगा तो ही तुसी स्ट्रिक्ट हो सकदे तां ही तुसी मैनेज कर सकदे। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल च साफ लिखाता कि जे तुसी मेरे चेले बनने चाहुंदे हो तो तुहानू अपने जिहड़े रिश्ते आ संसारक रिश्ते आ इन्हां नू आप प्रिय जानना पएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने एक इदां कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ बाइबल च लिखा कि इस कि सब तो वड्डा हुक्म किहड़ा कि तू अपने तन ना अपने मन ना अपने पूरे जोर ना परमेश्वर नू प्यार कर और अपने गवांडी नू अपने जिहा प्यार कर। और बाइबल च लिखा जद तक तुसी परमेश्वर नू अपने जीवन च पहला स्थान नहीं देंदे और तुसी अपने गवांडी नू अपने जिहा प्यार नहीं करदे तद तक तुसी यीशु मसीह दे चेले नहीं हो सकते। और बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज दी लाइफ जींदे आ और परमेश्वर दे कम्मां नू करना चाहुंदे आ ये दोनों काम नहीं हो सकते। तुहानू डिसाइड करना पएगा अपने हार्ट विच अपने रिश्तियां नू आप प्रिय जानना पएगा। साफ बाइबल च लिखिया जदों तुसी अपने रिश्तियां नू आप प्रिय जानूंगे और परमेश्वर नू और उहदे वचन नू और उहदे काम नू पहला स्थान दोगे तुसी प्रभु यीशु मसीह दे चेले भी बनोगे और फिर चेले भी बनाऊंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। इस करके बाइबल च लिखा जे जो कोई अपना इनकार नहीं करता अपने इन्हां रिश्तियां दा इनकार नहीं करता वह मेरा चेला नहीं बन सकता, मेरा चेला नहीं बन सकता तो वह चेले नहीं बना सकता। बहुत सारे लोग जिहड़े आ इस गल नूं समझ नहीं पाते, वह समझ नहीं पाते कि यीशु मसीह साडी जिंदगी च चाहुंदा की आ, यीशु मसीह ताडी जिंदगी च चाहुंदा तुहानू वह इस्तेमाल करना चाहुंदा, वह सामर्थी तरीके नाल इस्तेमाल करना चाहुंदा, ताडी जिंदगी च अपनी सामर्थ नूं दिखाउणा पैंदा पर कंडीशन है। तो जे तुसी उस कंडीशन नूं पूरा करोगे तो जिदा गिदौन की लाइफ में कभी हिस्टरी शायद इदा कभी नहीं होया सी कि एक पासे 300 लोग एक पासे लखां लोग 300 लोग जिहड़े लखां लोगों नाल लड़े और जयवंत होए
कभी हिस्ट्री शायद इदा नहीं होया कि कई किलोमीटर की जी शहर पना सी 52 दिनों बनी हो। इस करके हिस्ट्री मेकिंग काम कर सके, यानी हिस्ट्री एहोजे काम कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप का भी इनकार किया, अपने जे रिश्ते उन्होंने भी इनकार किया। इस करके जो बाइबल में लिखा उन्होंने उस तरह जिदा पवित्र बाइबल च लिखा उस तरह ही तुम चलना पेगा, जो तुम उत्ते उस तरह चलूंगे। और बाइबल च लिखा तुम यीशु मसीह के चेले बनोगे, जब यीशु मसीह के चेले बनोगे और चेले बनाऊंगे भी। और बाइबल च लिखा प्रभु यीशु मसीह का आना इस धरती से जल्दी होएगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब तुसी चेले बनोगे और परमेश्वर की वो सामर्थ जिहड़ी चेलियां दे उपर सी ताडे जीवन च और मेरे जीवन च कम करेगी, और जिदा वो चेले ते पवित्र बाइबल च लिखा सामर्थी होए और अपने अपने जीवन च जो परमेश्वर की योजना है उन्होंने पूरा कर सके और शैतान ते जयवंत रह के अपनी दौड़ नू पूरा कर सके, मैं और तुसी भी अपनी दौड़ नू पूरा पूरा कर पावांगे। अदरवाइज असी पूरा नहीं कर सकते, किसी चीज़ की शुरुआत करना और किसी चीज़ सफल होना वो अलग गल, पर किसी चीज़ नू एंड तक सफल लेना वो अलग गल। जे तुसी इस वचन नू अज पूरी पूरी रीति दे नाल समझो और उस तरह इत्ते चलो कि तुसी जे परमेश्वर विच आया तो तुसी इस परमेश्वर विच आया तुसी सफल भी होंगे और एंड तक सफल भी रहोगे, एंड तक सफल भी रहोगे। परमेश्वर ने तुहानू अलग अलग तरीके ना बुलाया, अलग अलग तरीके ना बुलाया, और परमेश्वर चाहुंदा चाहे एक पास्टर होए चाहे एक विश्वासी होए उस वो अपने घर नू मैनेज करे और उन्हूं पहला स्थान दे अपने जीवन च, अपने जीवन च उन्हूं पहला स्थान दे। गिदौन तां ही जयवंत हो सकिया क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन नू परमेश्वर की हजूरी नू पहला स्थान दिता। जे असी परमेश्वर की हजूरी नू परमेश्वर के वचन नू पहला स्थान नहीं देवांगे तो परमेश्वर की प्रेजेंस साढ़े नाल नहीं हो सकती, तो जे परमेश्वर की प्रेजेंस साढ़े नाल नहीं आ तो असी जिंदगी कदी भी जित नहीं सकते और कदी भी असी वो कम पूरा नहीं कर सकते जिदे लिए परमेश्वर ने सानू अपने कोल बुलाया। इस करके अज आउंदे मैं तुहाडे को प्रार्थना करके कि परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर ता कि मैं खुदी का इनकार कर सकाँ, तेरे वचन का इकरार कर सकाँ। खुदी दे इनकार करन दा मतलब की आ, हर वो इमोशंस हर वो फीलिंग ताडे जो जीवन च उठती आ अपने माँ बाप दे प्रति अपने भैन भरा दे प्रति अपनी वाइफ दे प्रति, कई वारी तुहानू उहदे ते उहना फीलिंग ते कांटा मारना पेगा, उन्हां फीलिंग ते तलवार चलानी पेगी। हर वो विश्वासी चाहे परमेश्वर कोई विश्वासी या परमेश्वर का दास आ, जे अपनी वाइफ नू जां अपने बच्चों अपने जीवन च पहला स्थान दे रहा तो इहदा मतलब वह यीशु मसीह के कमां नू नहीं कर सकता। वह कुछ देर लई हो सकता कुछ देर लई सफल हो जाए पर आखरी साह तक वह सफल नहीं हो सकता। इस करके तुहानू पवित्र आत्मा नू और उहदे लिखित वचन नू अपने जीवन च पहला स्थान देना पएगा। जदों तुसी लिखित वचन नू और पवित्र आत्मा की अगवाई नू पहला स्थान दोगे और परमेश्वर के काम नू दूजा स्थान दोगे। साफ प्रभु यीशु मसीह ने लिखा जे तू अपनी क्रूस उठा के मेरे, क्रूस का की मतलब, क्रूस का मतलब वो बोझ जिहड़ा यीशु मसीह ने चक्या सी। यीशु मसीह ने की बोझ चक्या सी? यीशु मसीह ने सारे जगत के पापा नू अपने कंधे ते चुक लिया, उस क्रूस से चुक लिया ते सानू भी लोगों के बोझ नू ये मर रहे संसार जिहड़ा पाप च मर रहा संसार आ उन्हां लई प्रार्थना करनी पेगी और सैपरेट होकर प्रार्थना करनी पेगी और कई गल्लां च अपने माँ बाप नू अपने भैन भरावां नू अपनी वाइफ नू अपने बच्चों नू नाराज़ करना पेगा। तो जे तो तुहानू अपने उन्हां दे इमोशंस ते कुछ टाइम लई तुहानू उन्हां इमोशंस नू स्टॉप करना पेगा, कुछ टाइम लई तुहानू उन्हां दी फीलिंग्स नू हेट करनी पेगी।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਬੋਲੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਸੀਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੀਏ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣੋਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਰੀਅਲ 'ਚ ਚੇਲੇ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੋਏਗਾ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੀਏ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣੂੰਗਾ
तो मैं एक जंग च हाँ जी मैनू फेथ ना लड़नी पैनी है परमेश्वर अज तो मैं कंप्रोमाइज नहीं करूँगा बल्कि हर वो लड़ाई चाहे मेरे विरोध में बड़ी आ मेरी बुद्धि के अनुसार पर मैं फिर भी लड़ूंगा हर वो योजना जी बड़ी आ मैं अपने फेथ दे नाल विश्वास दे नाल उन्हूं पूरा करूँगा क्योंकि मैं जानता हाँ जद नहेमिया ने विश्वास रख के उस योजना जी वो जीवन सी पूरी की और गिदौन ने विश्वास रख के 300 लोगों लैके लखा लोगों लड़िया और जयवंत होया परमेश्वर अज मैं जान चुका हाँ जे मैं नहेमिया वगू अपनी जो अपनी कमां नू करना जा उन्हां कमां नू करना जो तू मेरे जीवन च चाहना तो मैनू नहेमिया वगू बिना घबराए फेथ विच रह के चलना पएगा और कुछ चीज़ां दा कुछ रिश्तियां दा इनकार करना पाऊगा जे मैनू गिदौन वांग जयवंत होना तो मैनू अपने माँ बाप भैन भरावां और अपना भी इनकार करना पएगा और मैं जानदा जद मैं अपना मैं इस तरह करूँगा तो तद मैं तेरा चेला बनूँगा जद मैं चेला बनूँगा तो अपनी जिंदगी विच जयवंत भी होऊँगा और हर एक काम जो तुसी मेरे जीवन च करना चाहते मैं आखिरी साथ तक उन्हूं करदा रहूँगा और स्वर्ग भी जाऊँगा और स्वर्ग विच वड्डा रिवार्ड पाऊँगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंगदे हाँ। अज तो अपने लिए तुसी ये प्रार्थना करनी आ कि परमेश्वर कुछ हद तक मैं अपने रिश्तियां नूं आप प्रिय जान सका। बाइबल लिखा माँ बाप का आदर कर। आदर करन दा की मतलब है तुसी उन्हां दीआं लोड़ां नूं पूरियां करना। तुसी बाइबल च लिखा अपनी पत्नी नूं अपने जिहा प्रेम कर जिहड़ी डेडिकेशन तुहाडे जीवन च आ उही डेडिकेशन तुहाडी पत्नी दे जीवन च होनी चाहिए। बाइबल च लिखा अपने बच्चों नूं मसीह तलीम दे अनुसार उन्हां दी परवरिश कर। तो मसीह तलीम च की आ मसीह तलीम च की आ जो परमेश्वर का वचन कहिंदा उहदे अनुसार चलना और मसीह च तलीम दे विच लिखा कि तैनूं अपने बच्चों नूं डांटना भी पएगा तैनूं अपने बच्चों बच्चों ते डंडा भी चकना पएगा तैनूं अपने बच्चों नूं स्ट्रिक्टली भी उन्हां नूं मैनेज करना पएगा। अपनी अखां नूं बंद करके एक प्रार्थना करो बोलो परमेश्वर मैनूं ग्रेस दे कि इस वचन नूं मैं अपने जीवन च पूरा कर सकां और मेरी इमोशनल लाइफ अज तो खत्म हो जाए तो स्पिरिचुअल लाइफ मेरी शुरू होए। सब जने प्रार्थना करो परमेश्वर की ग्रेस मंगो ताकि ये वचन इस वचन के अनुसार तुसी चल सको अपने माँ बाप भैन भरावां नूं अपनी पत्नी नूं अपने बच्चों नूं आप प्रिय जान सको और अपनी क्रूस नूं उठा के परमेश्वर के पिछे चल सको और अपने आप का भी इनकार कर सको। यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंगदे हां। रियल क्रिश्चियन लाइफ डेडिकेशन दी लाइफ और डेडिकेशन तुहाडे अपने आप तो शुरू हुंदी। सानू सब तो पहला अपने आप का इनकार करना पएगा फिर तुहानू अपने जिहड़े आले दुआले तुहाडे रिश्ते आ तुहाडे घर विच ही उहनां नूं ही आप प्रिय जानना पएगा और पाप विच मर रहे संसार का बोझ लैना। ये तिन्ने चीज़ां तुसी करोगे फिर रियल च तुसी यीशु मसीह दे चेले बनोगे फिर रियल च मसीह लाइफ तुहाडी शुरू होएगी और रियल च यीशु मसीह दा अभिषेक तुहाडे जीवन च काम करेगा और रियल च तुसी परमेश्वर दे कम्मां नूं करके आखिरी साह तक जयवंत होवोगे। अपने हत्थां नूं उठाओ बोलो परमेश्वर अज तेरा आत्मा पवित्र आत्मा मैनू छूए मैनू आजाद करे
मैनू चंगा करे। सब जन बार बार कहो कहो परमेश्वर तेरा आत्मा मैनू छुए, मैनू चंगा करे, मैनू ब्लैस करे और मेरा छुटकारा करे। सब जन रबा दाला खो रबा शेखे नामा साखा रबा दाला खा रबा रिखा लबा शेखेरे बेसंदा लबा रा नामा शेखेरे बेशा था लखा खा रबा रिखा लबा शेखेरे बेदल खरा बबा नारा बो रबा दलिखेरे बेशेखरे केले बे नामा शेखेरे बे। मैं कमांड करदा परमेश्वर दा दास होण दे नाते हर एक हिंडरिंग स्पिरिट जो तुहानू विचारां च डिस्टर्ब कर दिया, जो कोई मेरी आवाज दे प्रभाव दे थले आ, मैं कमांड करदा ऐसे टाइम ताडे विचारां नू छड्डे और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कमांड करदा हर एक हिंडरिंग स्पिरिट ताडी माइंड नू ताडे विचारां नू छड्डे और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं परमेश्वर दा दास होण दे नाते हर एक नैगेटिविटी नू मैं बोलदा ताडी जिंदगी नू छड्डे और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। हर ओ दुष्ट आत्मा जो तुहानू विचारां च नैगेटिव करदी आ और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कमांड करदा हर एक कलेश दी दुष्ट आत्मा नू मैं बाइंड करदा ताडे जीवना नू ताडे घरां चो छड्डे और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। पवित्र आत्मा दी फायर दे नाल जाए, पवित्र आत्मा दी फायर दे नाल जाए और जले मरे डिस्ट्रॉय होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। हर तरह दे जादू टूणे नू मैं बाइंड करदा और मैं हुक्म करदा जिस जगह तो आया और वापस जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। हर एक जादू टूने का बंधन ताडे जीवना चो डिस्ट्रॉय होए पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल और डिस्ट्रॉय होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, डिस्ट्रॉय होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, डिस्ट्रॉय होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैनू परमेश्वर दा आत्मा दिखा रहा तुहानू पेट नाल रिलेटड कोई प्रॉब्लम सी, कोई इंसान मैनू देख रहा जिहदा पेट डे बाई डे फुलदा जा रहा, उहदे पेट विच फलावट हो रही और एक जादू टूने द्वारा। मैं पवित्र आत्मा जी मैं बोलदा पवित्र आत्मा दी फायर तेरे पेट च जाए और हर एक जादू टूने दा प्रभाव तेरी लाइफ चो खत्म होए और हर एक जादू टूना उल्टी राही बाहर आए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, 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 बाहर आए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं आत्मा च देख रहा परमेश्वर दे आत्मा द्वारा हर एक जादू टूना तेरे पेट चो खत्म हो चुका और जो पेट फुलिया सी और कुछ 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 दिनों में मैं होली स्पिरिट दिखा रहे कुछ दिनों में और नॉर्मल होएगा और तू गवाही दे नाल वापस आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। मैं कमांड करदा हर डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा मैं बाइंड करदा, मैं हुक्म करदा ताडे जीवना नू छड़े और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। ताडे लोन दा ताडे कर्जे दा स्वर्गीय इंतजाम होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, स्वर्गीय इंतजाम होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। हर ओ रस्ता जो ताडे पुरखियां तो बंद सी मैं बोलदा खुले यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। कुछ फमेलियर दुष्ट आत्मा नू मैं बाइंड करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं फायर बोलदा पवित्र आत्मा दी फायर दे नाल वो ताडे जीवन छड़न और चलिया जाने यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। कुछ लोग फमेलियर दुष्ट आत्मा तो आजाद होए जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने जीवन च काम कर रही सी, फमेलियर दुष्ट आत्मा ताडे जीवन छड़ के जा रही और ताडे जीवन छड़ के जा रही। तुसी हर फमेलियर दुष्ट आत्मा तो आजाद हो रहे और मैं आत्मा च देख रहा एक भैन दी एक सिस्टर आ और उसने ग्रीन सूट पाया होया और उदी मैनीफेस्टेशन हो रही, सिर घूम रहा, सिर ते कुछ हो रहा। डोंट वरी सिस्टर, तेरी डिलीवरेंस हो रही। अज हर एक साइकिक विचक्राफ्ट तेरी लाइफ चो खत्म हो रहा पवित्र आत्मा की सामर्थ दे नाल। तू साइकिक विचक्राफ्ट तो आजाद हो रही और हर एक सुसाइडल स्पिरिट तेरी जीवन नू छड़ के जा रही यीशु मसीह दे सामर्थी नाल, जा रही यीशु मसीह दे सामर्थी नाल च। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। मैं आत्मा च देख रहा कुछ पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की स्टडी नू लैके बड़े परेशान सी
मैं एक ग्रेस नू एक अभिषेक नू रिलीज कर दां ताडे बच्चियां दे उपर ओ ग्रेस ओ अभिषेक आए आज तो ओ कॉन्सेंट्रेट करना अपनी पढ़ाई ते और सीरियस रीति दे नाल पढ़नगे और सीरियस रीति नाल पढ़नगे और कॉन्सेंट्रेशन उन्हां दी वधेगी और हर तरह की केयरलैस उन्हां दी लाइफ चो जाएगी और तुसी देखोगे ताडी लाइफ ताडे बच्चियां दी लाइफ विच ताड़ी बच्चों की लाइफ में जो पढ़ने में केयरलैस सी अज तो केयरफुल हो जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में केयरफुल हो जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में मैं होली स्पिरिट कह रहे कुछ लोग सी जो मैं देख रहे कुछ तीन लोग ब्रदर आ जिन्हें जॉब छुट गई डोंट वरी तुसी स्वर्ग राज दे आ स्वर्ग राज दे अधिकारी हाँ मैं बोलदा ताड़ी जॉब दा इंतजाम स्वर्ग चो हो चुका यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च स्वर्ग तो हो चुका यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च कोई सिस्टर मैनू देख रही है जिदे घर विच अपने आप कपड़े फटदे वो एक विचक्राफ्ट आ उहदे अपने आप ही कपड़े फट जांदे मैं हर एक जादू टूने नू मैं बाइंड कर दा और मैं फायर बोल दा पवित्र आत्मा दी फायर उस जादू टूने ताए और वो जले हर एक डीमोनिक ऑल्टर जो वैरी ने ताडे खिलाफ खड़ा कीता मैं उखाड़ दा यीशु मसीह दे सामर्थी नाच स्वर्ग दूतां द्वारा उखाड़िया जाए और अज तो ताडे घर चो जादू टूने दा असर खत्म होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च खत्म होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च खत्म होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं बोलदा हर एक एलर्जी दा शराप ताडे जीवन चो यीशु मसीह दे लहू द्वारा खत्म होए और हर तरह की एलर्जी खत्म होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च सुनो कोई सिस्टर आ कोई बच्चा कोई लड़की आ जिहदी उम्र 15-16 साल दे करीब आ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਸਸ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਔਰ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਇਰਰੈਗੂਲਰਟੀ ਜੋ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਮਟਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਮਟਮ ਖਤਮ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਰੇ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਚੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਡੀ ਛੋਟੀ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਸਿਸਟਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ ਔਰ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਮੈਂ ਬਾਇੰਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
और वो गंदी आत्मा नु मैं हुक्म करदा जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच हर एक काला मोतिया पवित्र आत्मा दी फायर दे नाल डिस्ट्रॉय होए और अखां दी रोशनी बदे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच अखां दी रोशनी बदे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच कोई मैनू देख रहा जिन्हां दे घर एक्सीडेंट दी स्पिरिट कम करदी और उन्होंने पिछले दो हफ्त्या मैं होली स्पिरिट दिखा रहे दो हफ्त्या एक्सीडेंट हो चुके पहला उन्होंने बेटे का फिर उन्होंने डैडी का एक्सीडेंट होया हर एक एक्सीडेंट की स्पिरिट को मैं बाइंड कर दा और मैं फायर बोलदा गेट इन द नेम ऑफ जीसस गेट इन द नेम ऑफ जीसस और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच सुनो ब्रदर तुसी घर एक्सीडेंट की स्पिरिट तो आजाद हो रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच आजाद हो रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच थैंक यू जीसस कोई मैनू ऑनलाइन देख रहा और पिछले 2 महीनों च लगभग 1.5 लाख रुपया मैनू होली स्पिरिट दिखा रहे 1.5 लाख रुपए का लॉस होया और डैवल ताडा पैसा चुरा रहा मैं हर हाथ डैवल का जो ताडे फाइनेंस से मैं बाइंड कर दा और हुक्म देना वह हाथ उखड़े यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच स्वर्गदूतों द्वारा उखाड़िया जाए और जो कुछ शैतान ने चुराया और वापस आए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच और वापस आए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच और मैनू होली स्पिरिट कह रहे जो कुछ मेरे मुँह नू इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा बोलिया इट इज डन ताडे जीवन च पूरा हो चुका यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च पूरा हो चुका यीशु मसीह दे सामर्थी नाम गुरदीप और यूके तो गुरदीप यूके तो डे बाई डे ताडा वेट वध रहा वो एक अशुद्ध आत्मा वा वो अनकलीन स्पिरिट है मैं बाइंड करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च और मैं हुक्म करदा ताडे जीवन छड़े और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं हर एक अनकलीन स्पिरिट तो हर एक अशुद्ध आत्मा तो मैं फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च और मैं होली स्पिरिट कह रहे कुछ दो हफ्त्या च ताडा वेट सुपर नैचुरली कट होएगा थैंक यू फादर रबा दा लखा रबा शिके री बिंदी नमा सखा रबा दा लिखे री विशा करा रेखा लबा शिके रबा दा लिखे री बिंदी मैं देख रहा कोई शकुंतला नाम दी कोई लेडी है और अड्डिया च गोडिया तो लैके अड्डिया तक पेन होंगी मैं बोलदा हर पेन तेरी लत्तां चो पैरां चो जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं हर तरह की पेन तो फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च कोई सिस्टर मैनू देख रही जिहदे बच्चे नू लिखण च बड़ी प्रॉब्लम आ जद भी उहनू लिखण च कहिंदे उह कांटे मार दिंदा अपनी कापी ते मैं इस आदत तो फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल इस आदत तो आजाद होए और कॉन्सेंट्रेशन नाल लिखे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च सुनो कोई सिस्टर मैनू कोई देख रही मैं आत्मा च देख रहा उस सिस्टर दी रात नूं अपने आप वाल खिंचे जांदे और एक विचक्राफ्ट स्पिरिट आ मैं बाइंड करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मैं फायर बोलदा हर वो आत्मा जो तेरी लाइफ नूं डिस्टर्ब करदी आ तेरी नींद नूं डिस्टर्ब करदी आ उहते मैं फायर बोलदा और जले मरे डिस्ट्रॉय होए और तेरी लाइफ नूं छड्डे और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च सिस्टर अज तो तेरी लाइफ तेरी नींद सही होएगी और तेरी बॉडी की पेन तेरी बॉडी की पेन तेनू सदा रही सिर तो लैके तेरे
पैरां तक तेनू पेन रही। अज तो खत्म है यीशु मसीह दे सामर्थी नां च, हर पेन खत्म है यीशु मसीह दे सामर्थी नां च। मैं आत्मा च देख रहा कोई बुजुर्ग या माता उहदी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी आ, और अपनी रीढ़ की हड्डी ते हथ रख। जो कोई बुजुर्ग माता, मैं बोलदा रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, सीधी हो जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, सीधी हो जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं कमांड करदा जिन्हां दी रीढ़ की हड्डी च प्रॉब्लम आ, चलन च प्रॉब्लम आ, ऐसे टाइम रीढ़ की हड्डी जुड़े और चलन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। बिना सपोर्ट तो चलन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, बिना सपोर्ट तो चलन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आत्मा च देख रहा तुहाडी रीढ़ की हड्डी नूं रिपेयर हुंदिया नवी बनदिया, मैं रिपेयर हुंदिया नवी बनदिया देख रहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आत्मा च देख रहा तुहाडे बच्चियां लई रिश्तियां दे इंतजाम हुंदे होए, स्वर्गदूत तुहाडे डिवाइन कनैक्शन कर रहे, डिवाइन कनैक्शन कर रहे रिश्तियां दे, और ताड़े बच्चियां लई रिश्ते आ रहे ने, रिश्ते आ रहे ने परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए रिश्ते आ रहे ने अपने आप। और तुसी देखोगे थोड़े समय च ताड़े बच्चियां दे मैरिज दे रस्ते खुलणगे और उन्हां दी मैरिज होएगी हैवनली इंतजाम द्वारा, और रिश्ते और मैरिज ब्लैस होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं कह रहा ब्लैस होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, ब्लैस होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं कमांड करदा किसी किसी भैन दे गर्दन ते लैफ्ट साइड ते गिल्टी आ, मैं बोलदा गिल्टियां गैब हो जाण यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, गैब हो जाण यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, रसौलियां गैब हो जाण यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, फटके बाहर आउण यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਗੈਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਗੈਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗਿਲਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਵਲ ਦੀ ਪਕੜ ਆ। मैं फायर बोलदा उस डैवल से, वो ऐसे टाइम उस भैन की लत नूं छड़े और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाच। सिस्टर चैक कर तेरी लत तो डैवल की पकड़ टुट चुकी आ, वो स्पिरिट की पकड़ टुट चुकी आ, तेरी लत फ्री हो चुकी आ, तू उस अपनी लत ते भार पा सकदी और ते चल सकदी, तेरी लत चंगी हो चुकी आ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। परमेश्वर का आत्मा किसी के कन्ना नूं छू रहा, तुहाडे कन्ना च सां सां दी आवाज आउंदी, मैं बोलदा जो सुन नहीं सकदे और सुनन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, और सुनन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, और सुनन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, जो बोल नहीं सकदे और बोलन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। थैंक यू जीसस। और मैनूं होली स्पिरिट कह रहे इट इज डन, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। पवित्र आत्मा की सामत दे नाल तुसी गवाइयां दे नाल वापस आ रहे, तुसी गवाइयां दे नाल वापस आ रहे, यीशु मसीह दे सामती नाल मंगदे हां, आमीन। जिन्ने लोग चंगे हो चुके आ, जे तुहाडे आले दुआले जिहड़े लोग चर्च जांदे आ, तुहाडी ड्यूटी आ कि जदों लॉकडाउन खुले जां ऑनलाइन तुसी अपनी गवाही नूं भेज सकदे आ, क्योंकि बहुत सारे लोग गवाही छपाउंदे आ। जे तुसी गवाही नूं छुपाओगे तुहाडी अगली गवाही नहीं बनेगी, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान प्रेयर के दौरान लगभग 500-600-700 गवाही टेस्टिमनियां हीलिंग दियां, डिलीवरेंस दियां, और अलग अलग परमेश्वर के परवर्शन दियां, परमेश्वर के इंतजाम दियां, पर तुसी अपनी गवाइयां नूं सेंड नहीं कीता, चाहे तुसी फॉरन च आ, चाहे तुसी इंडिया च आ, चाहे पंजाब च आ, किसी भी कोने च आ। मैं मेरी तुहानूं रिक्वेस्ट आ प्रभु यीशु मसीह की महिमा ली और शैतान ते जयवंत होने ली, तुसी अपनी गवाही नूं अपने फोन ते रिकॉर्ड करके
तुसी वट्सएप राही जिहड़ा फोन नंबर आ साडा प्रेयर लाइन दा उहदे ते भेज सकदे आ। जदों तुसी अपनी गवाहियां नूं भेजोगे तां परमेश्वर तुहाडे जीवन च अगली गवाही नूं बनाएगा, क्योंकि जे तुसी गवाही नूं छपाउंदे आ तां तुसी परमेश्वर दी थैंक्स गिविंग नूं स्टॉप करदे आ। तो बाइबल च लिखिआ जदों तुसी परमेश्वर ते विश्वास करदे आ उहदा धन्नवाद करदे आ, तुसी परमेश्वर नूं खुश करदे आ। तो जो तुसी गवाही दोगे परमेश्वर की महिमा करोगे परमेश्वर नूं खुश करोगे तो परमेश्वर तुहानूं नैक्सट गवाही दे नाल खुश करेगा। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर अज मैं तेरे आत्मा की सामर्थ दे नाल, पवित्र आत्मा की सामर्थ दे नाल, उहदी मैं फायर दे नाल मैं आजाद हो चुका, मैं ब्लैस हो चुका और मैं चंगा भी हो चुका। मैं यीशु मसीह दे ब्लड दे नाल अपनी हीलिंग नूं, अपनी आजादी नूं, अपनी आशीष नूं कवर करदा, यीशु मसीह दे ब्लड दे नाल सील करदा। मेरी आजादी, मेरी हीलिंग, मेरी आशीष यीशु मसीह दे लहू दे नाल सुरक्षित रहे और बनी रहे और मेरी टेस्टिमनी नूं, मेरी हीलिंग नूं, मेरी डिलीवरेंस नूं, मेरी आशीष नूं शैतान खराब ना कर सके। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे हां। कुछ तो कुछ दो मिनट ली, चार मिनट ली थैंक्स गिविंग दी आराधना करांगे आपां। थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद ली। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ऑफरिंग नूं अपने हत्थां चलाओ, बोलो परमेश्वर ये मेरा दसवंध, मेरा हदिया, मेरा शुक्रनामा, मेरा बीज तेरे कम्मां लई इस्तेमाल होए, रूहां बचाईयां जान और स्वर्ग विच मेरा वड्डा रिवार्ड हो। यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंगदे। तुसी अपनी ऑफरिंग नूं ऑनलाइन जो फेसबुक ते अकाउंट नंबर आ, चर्च का अकाउंट नंबर आ, तुसी उहदे ते भेज सकदे आ जां चर्च विच आ के तुसी अपनी ऑफरिंग नूं दे सकदे आ तां कि परमेश्वर दे काम, उहदा शुभ समाचार और परमेश्वर दे सारे काम तुहाडे पैसे द्वारा उसे तरह कीते जाण जिदां नॉर्मल दिनां च हुंदे सी। और तुसी जानते हैं चर्च दीयां जरूरतां आ और तुहाडे दान, तुहाडे दसवंध दे नाल ही वो सारिया जरूरतां पूरियां हुंदियां। और जदों तुसी इन्हां चर्च दीयां जरूरतां नूं पूरियां करदे आ परमेश्वर दे राज दा बोझ लैंदे आ तां परमेश्वर तुहाडे
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਟਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਏਗੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੇਮ ਚਰਚ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਗ੍ਰੇਸ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਆਨੰਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼, ਉੱਨਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।